हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज यहां पे अपन बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगल ब्लॉक ब्रेक की। तो जैसे कि इसकी जो पूरी थ्योरी थी वो मैं अभी अपलोड कर चुका हूं चैनल के ऊपर। जिस किसी भी कैंडिडेट ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। मैंने ब्रेक की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्योंकि नंबर ऑफ वीडियोज़ ज़्यादा हो रहे थे इसलिए मैंने उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दिया, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में देख लेते हैं क्या है। ए सिंगल ब्लॉक ब्रेक इज शो इन फिगर, द डायमीटर ऑफ ड्रम इज 250 mm। मतलब कि जो आपको ड्रम दिया है उसका डायमीटर कितना दिया है आपको, 250 mm दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 125 हो जाएगी। एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री, और जो उसका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया वो कितना दिया आपको, 90 डिग्री। इफ द ऑपरेटिंग फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, जो कि आपका लीवर पे लग रहा है, इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ लीवर, तो मतलब जो 700 न्यूटन का फोर्स है वो कहाँ लग रहा है आपका, लीवर के ऊपर लग रहा है। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड द लाइनिंग, मतलब कि लाइनिंग मतलब होता है कि जहां पे ये आपकी लग रही होती है, इसको अपन लाइनिंग बोलते हैं जगह को, तो वो क्या दिया है आपका, 0.35। तो डिटरमाइन द टॉर्क दैट मे बी ट्रांसमिटेड बाय द ब्लॉक, मतलब कि उन्होंने टॉर्क पूछा है और जो कि आपका डेवलप्ड हो रहा है किसकी वजह से, आपकी ब्लॉक की वजह से। तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेता हूँ फटाफट से, गिवन डेटा। सबसे डायमीटर दिया है आपको कितना दिया है, 250 mm, तो इसका जो रेडियस निकलेगी कितनी निकलेगी आपकी, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 250 mm डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 125 mm। इसके बाद उन्होंने उसके बाद दिया था आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेरे को दिया है कितना आपका, 2θ इज इक्वल 90 डिग्री, कितना दिया है, 2θ इज इक्वल 90 डिग्री। तो इसमें कंडीशन होती थी कि अगर आपका जो 2θ एंगल है इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, मतलब कि अगर ये जो एंगल है आपका वो ग्रेटर देन 60 डिग्री हो जाएगा, तो जो आपका फ्रिक्शन कोफिशियंट है, मतलब कि जो आपका म्यू है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपकी कितनी दी है म्यू की वैल्यू, 0.35, तो 0.35 नहीं होगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, म्यू डैश इज इक्वल 4μ sin θ, म्यू डैश इज इक्वल 4μ sin θ 2θ प्लस के sin 2θ। तो ये वाली वैल्यू आपको याद रखना है फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे जब आपका जो कॉन्टैक्ट एंगल है सिंगल ब्लॉक के अंदर, के इफ ग्रेटर देन 60 डिग्री, मतलब कि जो आपका एंगल है 2θ वो कितना हो जाए आपका, इज ग्रेटर देन 260 डिग्री। तो सबसे पहली चीज है मेरे को म्यू डैश ही निकालना है, तो म्यू डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, म्यू डैश इज इक्वल 4, म्यू की वैल्यू कितनी आपके पास, 0.35 sin θ, मतलब sin 45 डिग्री। और यहाँ पे जो थीटा है, ये वाला जो थीटा वो रेडियन में लगेगा, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। जैसे आपको पता है कि थीटा इज इक्वल 45 डिग्री हो गया है, तो इस थीटा को, और 2θ इज इक्वल कितना है मेरा, 90, तो इसको अगर मेरे को रेडियन में चेंज करना होगा तो कितना आएगा, तो आपको पता क्या करते हैं, पाई बाई 180 का डिवाइड देते हैं, तो कितना निकल के आएगा आपके पास, π/2, इट मीन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3.15/2, तो कितना आएगा, 1.5707 रेडियन, कितना आएगा निकल के, रेडियन। तो 2θ की वैल्यू निकल के आएगा कितना है, 1.5707 प्लस के sin 90, तो सॉल्व कर लेते कितना आएगा, देखिए 4 × 0.35 sin 45 कितना निकलेगा, ऊपर तो आ गया आपका 0.9899 ओवर डिवाइडेड बाई 1.5707 प्लस के sin 91, तो जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 0.385। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी म्यू डैश की वैल्यू निकल के आएगी, कि म्यू डैश इज इक्वल 0.385। तो गाइस, इसके बाद क्या करना है आपको, कि वही सेम कंडीशन के मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताए कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से, कि RN की वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, F यहाँ लग रहा है, और जो क्वेश्चन दिया था, जो आपको क्वेश्चन दिया उसके अंदर जो आपका ड्रम है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब फिगर के अंदर दिया था, जो शो इन फिगर दिया है उस फिगर के अंदर आपको पता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपको जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो किस तरीके से आएगा आपका,
एफ टी टेंजेंशियल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। अब मुझे इस जगह पे इसका क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना है, मूवमेंट। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज 700। एफ टी भी कैसे होगा आपका, क्लॉकवाइज। और ये कैसे होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको दिख रहा है कि जो ये दो फोर्सेस है 700 वाला और एफ टी वाला, वो तो मेरे पॉजिटिव में आएंगे, और जो रिएक्शन है आर एन वाली वो कैसी आएगी, मेरी एंटी क्लॉकवाइज निकल के आएगी। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि जो मेरा मूवमेंट निकाल लो मैं इस जगह पे ओ पॉइंट पर, तो उसकी यहाँ से 700 से डिस्टेंस कितनी मिली थी कि 200 प्लस के 250, इट मीन्स द 450 हो गई, सिंपल। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ कि एफ टी की डिस्टेंस कितनी है आपकी ओ के लिए, वो दी आपको 50 हो गई, और आर एन की वैल्यू कितनी दी आप मेरे पास 200। तो मैं फिर यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या करना है आपके सामने। तो मूवमेंट निकालते हैं सबसे पहले, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ पॉइंट। तो मैंने मूवमेंट का निकाला ओ पॉइंट पे, तो आपको दिख रहा होगा 700 मल्टीप्लाई 450 प्लस के एफ टी मल्टीप्लाई, एफ टी के लिए डिस्टेंस 50, माइनस के आर एन मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल 0। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, आर एन मल्टीप्लाई 200 माइनस के एफ टी मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल 700 इंटू 450। तो यहाँ पे क्या होगा, आर एन मल्टीप्लाई 200 माइनस के, इसको क्या लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स है म्यू आर एन इंटू 50, और म्यू मेरा डैश वाला आएगा 700 इंटू 450। तो क्या निकलेगा यहाँ से, आर एन इज कॉमन, 200 माइनस म्यू की वैल्यू 0.385 मल्टीप्लाई 50 ब्रैकेट के बाहर 700 इंटू 450। तो यहाँ से आर एन की वैल्यू निकाल लेते फटाफट से, तो देख लीजिए 700 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 0.385 इंटू 50 कितना निकल गया आपके पास, आर एन इज इक्वल 1742.73 न्यूटन। तो उन्होंने पूछा था यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क, तो सो ब्रेकिंग टॉर्क टी इज इक्वल एफ टी इंटू आर, दैट्स अ रेडियस। तो क्या होगा, एफ टी म्यू डैश इंटू आर एन इंटू रेडियस। तो आपको पता है कि म्यू डैश की वैल्यू कितनी है, 0.385, आर एन की वैल्यू पता है 742.73 इंटू रेडियस, आपका डायमीटर 250 तो रेडियस 125, तो कितने आ जाएगा पास 0.125 मीटर। तो देख लीजिए मल्टीप्लाई 0.385 मल्टीप्लाई 0.125, तो आपके पास कितना टॉर्क निकल के है, आपके पास टॉर्क इज इक्वल 83.86 न्यूटन मीटर, दिस इज द राइट आंसर। तो आपको ये निकालना था और ये निकालना था। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू। अगर कोई डाउट है वो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।